आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जब पराबैंगनी प्रकाश एक प्रकाश सेल पर आपतित किया जाता है, इसका निरोधी विभव कुछ मान लें कि वी नॉट है और तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स है। जब पराबैंगनी प्रकाश को एक्स किरणों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो वी नॉट व के मैक्स दोनों में वृद्धि होती है। ये पहला कथन हो गया। दूसरा कथन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन शून्य से अधिकतम मान तक की परास वाली चालों से उत्सर्जित होते हैं क्योंकि आपतित प्रकाश में आवृत्तियों की भी एक परास उपस्थित होती है। ठीक, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम पराबैंगनी प्रकाश को एक्स किरणों से प्रतिस्थापित करते हैं, तो थोड़ा सा हम इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को विश्लेषित करें। तो इसके लिए हम कोई धातु की सतह ले लें, ये कोई धातु की सतह है और धातु की सतह पर प्रकाश आपतित हो रहा है, प्रकाश आपतित हो रहा है और यहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक, ये धातु की सतह है और ये धातु है। तो पहला कथन ये कहता है कि जब पराबैंगनी प्रकाश को एक प्रकाशशील इस पर आपतित किया जाता है तो निरोधी विभव, जब एक्स किरणों से इसको प्रतिस्थापित किया जाता है तो निरोधी विभव और के मैक्स दोनों में वृद्धि होती है। निरोधी विभव या गतिज ऊर्जा, ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकने के काम आता है। मतलब जो निरोधी विभव है वो E into V naught, ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। और जब पराबैंगनी प्रकाश को एक्सरे से प्रतिस्थापित किया जाएगा तो एक्सरे की जो आवृत्ति होती है वो पराबैंगनी प्रकाश से अधिक होती है। तो आवृत्ति की अगर बात करें, आवृत्ति को हम म्यू से प्रदर्शित करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू एक्स रे की म्यू अल्ट्रावायलेट यूवी रे से ज्यादा होती है, जहां पर म्यू क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति। तो आवृत्ति बढ़ने पर प्रकाश की ऊर्जा भी बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ेगी तो प्रकाश की ऊर्जा भी बढ़ेगी क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू, और एच न्यू बराबर होगा कार्यफलन प्लस अधिकतम गति ऊर्जा, अधिकतम गति ऊर्जा। तो एच न्यू हो गई प्रकाश की ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, और ये हो गया कार्यफलन, कार्यफलन, कार्यफलन और ये अधिकतम गतिज ऊर्जा केमैक्स। तो इसका अर्थ यह है कि यदि आवृत्ति बढ़ेगी तो ये वाली ऊर्जा बढ़ेगी, ये वाली ऊर्जा बढ़ेगी
तो अधिकतम गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। इसका मतलब जो कथन एक है वो सत्य है। अब हम कथन दो की बात कर लें। प्रकाश इलेक्ट्रॉन शून्य से अधिकतम मान तक की परास वाली चालों से उत्सर्जित होते हैं, क्योंकि आपतित प्रकाश की आवृत्तियों की भी एक परास होती है। तो जब आप प्रकाश आपतित होता है तो एक ही प्रकार का प्रकाश तो आपतित नहीं होगा, सभी प्रकार का प्रकाश यहां पर आपतित हो सकता है, ठीक है। तो सभी प्रकार का अगर प्रकाश आपतित होगा तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी अलग अलग होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो शून्य से अधिकतम होती है, तो ये कथन भी सत्य है, ठीक। तो कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। तो कथन दो इसका स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि कथन एक ही पूर्ण है अपने आप में। कथन एक का मतलब है कि आवृत्ति बढ़ेगी, तो इसका स्पष्टीकरण क्या होगा कि आवृत्ति बढ़ेगी तो अधिकतम गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो कथन दो स्पष्टीकरण नहीं है, कथन एक सत्य है, कथन तो ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, है ना। कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है, ये भी गलत है। कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है, ये भी गलत है। कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, ये भी गलत है। कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, मगर कथन दो उसका स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये सही है, सही उत्तर यही है, स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।